तो आज हम बात करने वाले हैं फेदरलाइट के ऑफिस चेयर के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे फेदरलाइट के वर्सा एंड अमेज वाले मॉडल के ऊपर और थोड़ा सा एंड में कंपेयर करेंगे अपने पॉपुलर एग्नोमिक ऑफिस चेयर से, मतलब कि जो अपने पॉपुलर एग्नोमिक चेयर हैं 6 से 10 हज़ार के बीच में, कि वर्थित है कि नहीं वर्सा एंड अमेज वाले मॉडल के साथ जाना इस प्राइस रेंज में। और वैसे एक बात पहले से बता दूं कि हमने ऑलरेडी बेस्ट ऑफिस चेयर के ऊपर वीडियो बना रखी है जो कि आपको एंड स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसे चेकआउट करना अगर आपका बजट 6 से 8 हज़ार के बीच में और आप एक बेस्ट ऑफिस चेयर लेना चाहते हैं। शुरू करने से पहले मैं दो बात ध्यान में रखने के लिए कहूंगा कि ये जो दोनों मॉडल के फीचर्स है ना, ये ऑलमोस्ट सेम है और दोनों ही मॉडल मिड बैक ऑफिस चेयर के। और ये जो वर्सा वाला फेदरलाइट का मॉडल है, इसमें आपको हाई बैक का ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब ये मिड बैक है लेकिन इसमें आपको हाई बैक का ऑप्शन भी मिल जाता है अलग से। और बस फिर इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं लंबर सपोर्ट के बारे में। दोनों मॉडल के जो लंबर सपोर्ट है ना, ये ओनली हाइट एडजस्टेबल है, मतलब कि आप इसे फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड एडजस्ट नहीं कर सकते। और अगर प्राइस रेंज की बात करूं तो ये जो फेदरलाइट का वर्सा वाला मॉडल ना, ये आपको 8 हज़ार के आसपास पड़ेगा और अगर आप इसमें हाई बैक के साथ जाते तो ये आपको 10 हज़ार का पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ फेदरलाइट का वो जो अमेज वाला मॉडल, वो आपको 9 हज़ार के आसपास पड़ेगा। तो इस प्राइस रेंज में लंबर सपोर्ट है ना थोड़ा सा और एडजस्टेबल होता तो बढ़िया रहता, क्योंकि जो बाकी ऑफिस चेयर आते हैं 6 से 8 हज़ार के बीच में, उसमें आपको काफी अच्छे खासे एडजस्टमेंट फीचर मिल जाते हैं लंबर सपोर्ट में, जिसमें आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं हाइट एडजस्टमेंट के साथ साथ। अब बात कर लेते हैं आर्मरेस्ट के बारे में। तो दोनों ही मॉडल में आपको अगेन सिर्फ हाइट एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, बाकी अगर इसी प्राइस रेंज में बाकी ऑफिस चेयर की बात करें तो उसमें आपको काफी बढ़िया क्वालिटी के एडजस्टमेंट फीचर के साथ आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि 2D या फिर 3D एडजस्टेबल होते हैं। वैसे अगर मेरी बात करूं तो मैं आर्मरेस्ट में हाइट एडजस्टेबल फीचर के अलावा कोई और फीचर खास इस्तेमाल नहीं करता हूं, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड या फिर साइड एडजस्टेबल फीचर होते हैं। और अगर आपका एक्सपीरियंस मुझसे थोड़ा सा हटके तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ेगा कि इस प्राइस रेंज में अगर ये थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट या फिर एडजस्टमेंट फीचर दे देते तो बढ़िया रहता थोड़ा। अब बात करते हैं इसके चेयर बेस के बारे में। तो इसका जो चेयर बेस है वो फाइबर का बना हुआ है और ओवरऑल 150 केजी का लोड उठा सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है, जो कि इस प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट सारे ऑफिस चेयर में आपको देखने को मिलेगी। तो इस सेक्शन में देखा जाए तो सब कुछ ओके। अब बात करते हैं हेडरेस्ट के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कि दोनों चेयर मिड बैक ऑफिस चेयर है, तो इसमें आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन जो फेदरलाइट का वर्सा वाला मॉडल, अगर आप उसमें हाई बैक ऑफिस चेयर के साथ जाते हैं तो उसमें आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, जो कि ओके डिसेंट है। अब बात करते हैं इसके कुशन एंड सीट क्वालिटी के बारे में। तो इसकी जो सीट की कुशन क्वालिटी है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आपने इनोविन के जैज ऑफिस चेयर का कुशन क्वालिटी को एक्सपीरियंस किया तो इसका क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब कि सिंपल शब्दों में वन लाइन में कहना चाहे तो इसका जो कुशन क्वालिटी है ना, वो काफी अच्छी है और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके टिल्टिंग फीचर के बारे में। तो इसमें आपको सिंक्रोनस टिल्टिंग फीचर मिल जाती है मल्टी लॉकिंग फीचर के साथ साथ, जो कि इस प्राइस रेंज में आपको ऑलमोस्ट सारे ऑफिस चेयर में देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको सिंक्रोनस टिल्टिंग का मतलब नहीं पता है, तो अगर आप अपने बैक को रिक्लाइन करते हैं तो आपकी जो सीट है वो भी 2:1 में टिल्ट करती है, और इसलिए इसे सिंक्रोनस टिल्टिंग कहते हैं। बाकी अगर बात करें तो ऑफिस चेयर में आपको रिक्लाइनिंग एंगल इतना देखने को नहीं मिलता। तो आप कंक्लूजन की बात करें तो क्या 8 से 10 हज़ार के बीच में ये फेदरलाइट के वर्सा या फिर अमेज वर्जन के साथ जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अगर वन लाइन में आंसर देना चाहूं तो नहीं यार। देखो, पहला कारण ये कि इनका जो प्राइस रेंज है वो 8 से 10 हज़ार के बीच में, और इस प्राइस रेंज में ये मिड बैक ऑफिस चेयर प्रोवाइड करे, वो भी कम एडजस्टमेंट फीचर के साथ साथ। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आपका बजट 8 हज़ार है, तो इस प्राइस रेंज में आपको इनोविन और ग्रीन सोल जैसे बेस्ट बजट ऑफिस चेयर मिल जाएगा, वो भी बेस्ट एडजस्टमेंट फीचर के साथ साथ। तो अगर मुझको पैसा खर्ची करना है तो मैं बेहतर से बेहतर चीज के साथ जाऊंगा ना। और एक और बात याद दिला दूं कि हमने ऑलरेडी 6 से 8 हज़ार के बीच में बेस्ट ऑफिस चेयर की वीडियो बना रखी है, जो कि आपको एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी, और उस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट करें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी यही था दोनों मॉडल फेदरलाइट के वर्सा एंड अमेज का ब्रेकडाउन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।